सत्यजीत रे ने मेरे हाथ में वो फाइल दे दिया, तो जाहिर है कि मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए कि भाई ये क्या हो गया। मुलाकात की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ तो मतलब मेरे सुपुर्द एक ऐसा काम किया गया है जिस पर हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई होंगी। सत्यजीत रे की फिल्म है भाई, और वो भी पहली हिंदी फिल्म। तो मैं काफ़ी नर्वस था, और ईमानदारी की बात यह है कि फिल्में देखना और फिल्मों को क्रिटिसाइज़ करना कि इसमें ये गलत है उसमें वो सही, बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप कलम उठा के लिखना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि कितना मुश्किल काम है। तो चुनाचे मैं भाग के अपनी दोस्त जिनका मैंने पहले जिक्र किया शमा जैदी के पास आया, और मैंने पहला जुमला जो उनसे कहा वो ये था कि भाई ये बताओ कि डायलॉग कैसे लिखते हैं। चूँकि वो गर्भ हवा लिख चुकी थी और दूसरा काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया हुआ था तो उन्हें एक अंदाज़ा था। एंड आपको ताज्जुब होगा कि मैंने और शमा ने मिल के उस डायलॉग लिखने से पहले पूरा एक चार्ट बनाया कि देखिए लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती है। ये पुरानी फिल्मों में होता था कि सेठ जी जो लैंग्वेज बोल रहे हैं तो रामू काका भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं, और उनकी बीवी जो धर्मपत्नी जो है वो भी वही लैंग्वेज बोल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़िंदगी में। और अगर हम ज़िंदगी के करीब जाने की कोशिश करें, अगर हम रियलिस्टिक होने की कोशिश करें, तो फिर हमें वो जो डिमार्केशन है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम दोनों ने ये तय किया कि भाई कौन कैसी लैंग्वेज बोलेगा। मिसाल के तौर पर ये कि जो वाजिद अली शाह का जो है, वाजिद अली शाह पोएट आदमी था, डांसर था, सिंगर था, बहुत ही रंगीन आदमी, बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था वो, तो उसकी ज़बान एक शायर की ज़बान है, एक मीठी ज़बान जिसमें हिंदी की मिलावट है। ये हिंदी वो कलिष्ठ हिंदी नहीं बल्कि सीधी सादी हिंदी जो हमारी पुराने गानों में मिलती है, वो टाइप की हिंदी उसके आप सुनाई देगी। उसके जो दो मेन कैरेक्टर हैं मीर और मिर्ज़ा, उसमें आपको एक बड़ा डिग्निफाइड नपे तुले लव्स और एक जो लखनऊ का जो एक आ था वो आपको दिखाई देगा, उस तरह की ज़बान आपको सुनाई देगी। जो कॉमनर्स हैं, जो आवाम हैं, सड़कों पे घूमने वाले लोग हैं, उनसे हमने अवधी बुलवाई है, का कहत हो, का करत हो, कहाँ जात हो। और जो औरतें हैं जैसे शबाना आज़मी, फरीदा, उनकी ज़बान वही है जो हमारे यूपी की औरतें बोलती हैं, ए ख्वारे नौज मुई मुँह जले पलाने ढिमाके, महावरों के साथ, कहावतों के साथ। तो उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि कैरेक्टर में एक डायमेंशन आया। दूसरी चीज़ ये कि हमको ये अंदाज़ा हुआ कि अगर आप इस तरह का एक ऑर्केस्ट्राइजेशन करेंगे तो जो पूरा जो स्क्रिप्ट है वो निखर के आएगा, और वही हुआ। और यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँ, सिंस वी आर एट इट, कि ये पूरा स्क्रिप्ट मैंने और शमा ने सिर्फ 8 दिन में लिखा था। पूरे फिल्म के जो डायलॉग हैं वो 8 दिन में हमने लिख दिए थे। उसके बाद फिर वो सत्यजीत रे को सुनाए गए और उनको, अच्छा सत्यजीत रे की प्रॉब्लम ये थी कि वो सिर्फ 2 भाषाएँ जानते थे, एक इंग्लिश और एक बंगला, इसके अलावा तीसरी कोई ज़बान उन्हें नहीं आती थी। हिंदी का एक लफ्ज़ उनको आता था बस, क्योंकि वो इंग्लिश में भी होता है। तो उसके बाद उनको सुनाया गया, उन्होंने, क्योंकि प्रोड्यूसर बड़ा नर्वस था, उसने कहा भैया ये आदमी जो है नया, बल्कि उस ज़माने में तो लौंडा कहा जाता था, कि ये लौंडा पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए हैं और उससे डायलॉग लिखवा लिए, अब सत्यजीत रे को तो कोई रोक नहीं सकता, अभी इन्होंने पता नहीं क्या गुड़ गोबर किया है, क्या लिखा है। चुनाचे बहुत सारे जानकार लोगों को वो स्क्रिप्ट सुनवाया गया, और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी को उसमें कोई ऐब ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो सत्यजीत रे ने कहा अब तुम दूसरा काम करो, और वो काम ये है कि ये जितने भी डायलॉग तुमने लिखे हैं उर्दू में,
इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे समझाओ कि तुमने क्या लिखा है, क्योंकि टेंटेटिव डायलॉग तो हर स्क्रीन प्ले में होते हैं, लेकिन वो सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं। वो किया गया तो उनकी समझ में आया, अच्छा अच्छा तो ये कहा जा रहा है और ये सुना जा रहा है। फिर उनका मैसेज आया कि भाई ये तो ये जो ज़बान आपने लिखी है ये सुनने को बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ है, लेकिन ये कि इसे बताएगा कौन, मेरे एक्टरों को कौन बताएगा, और वो भी उसमें से भी जो मेन एक्टर है वो एक गुजराती है, संजीव कुमार। चुनाचे हमारा प्रमोशन किया गया, हम डायलॉग डायरेक्टर बन गए और वहाँ कलकत्ते पहुँच गए। कलकत्ते पहुँच के वहाँ सत्यजीत रे से, जिन्हें हम मानिकदा कहते हैं, ऐसे रिलेशंस बने और इस तरह का काम मैंने वहाँ किया कि ही प्रोमोटेड मी टू स्पेशल असिस्टेंट, हिज चीफ असिस्टेंट। एंड ये जो मेरी ज़िंदगी के जो समझिए कि एक साल आठ महीने कलकत्ते में मानिकदा के साथ गुजरे, ये वो सरमाया है जो मैं आज तक कैश कर रहा हूँ। थिएटर से मेरे इंटरेस्ट की कई वजह, एक तो ये कि 1968 से जब मैं नया नया बॉम्बे आया था तभी से मेरा थिएटर में इंटरेस्ट था, और इप्टा जो है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जिससे मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ और उसका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसमें मेरी मेरी रुचि थी और मैं उनके कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन लिखने वखने का काम नहीं था, सिर्फ देखता था, टिकट बेचना हुआ, कुछ और प्रमोशन करना हुआ, ये करना हुआ, ये सब होता था। लेकिन सब लोगों ने कहा भाई तुम लिखते क्यों नहीं, लिखते क्यों नहीं, जब कहानियाँ लिखते हो, फिल्में लिखते हो, तो तुम ये क्यों नहीं लिखते। ये वो ज़माना था जब फिल्म नाटक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आप बड़े बड़े ट्रूप्स होते हैं, आठ आदमी, दस आदमी, पंद्रह आदमी, कभी कभी तो जैसे हमारा एक नाटक था सफ़ेद कुंडली, जिसमें शबाना काम कर दी थी, उसमें 52 एक्टर थे स्टेज के ऊपर। तो अब इतने सारे बड़े कुनबे को लाद के लेके जाना किसी जगह, वो किस शो करने के लिए जा नहीं सकते। तो उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि हम ऐसे नाटक क्यों ना लिखें जो इजीली मूवेबल हों, जैसे कम आर्टिस्टों के हों, जिनमें सेटिंग कम हो, प्रॉपर्टीज़ कम हो, और जो ड्रामेबाजी है वो कम। तो उसी ज़माने में शबाना जो हैं वो चाह रही थी कि एक इंग्लिश प्ले उन्होंने पढ़ा, एक अमेरिकन प्ले उन्होंने पढ़ा था, और उन्होंने मुझे दिया कि ये तुम पढ़ के देखो। और उनका कहना ये था कि साहब इस किस्म का प्ले जो है वो हिंदी में नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे ये कहा, और उसके डायरेक्टर जो फिरोज़ खान साहब थे उनसे मैंने कहा कि देखिए नाटक तो मैं लिख दूंगा, लेकिन ये जो नाटक की जो कहानी है ये मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए कि नाटक की कहानी जो है ये अमेरिका के आज के समाज की कहानी है, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और दुनिया भर के सब होते हैं, मैं कहानी अपनी बनाऊंगा। चुनाचे मैंने अपना लखनऊ का बैकग्राउंड लिखे, एक लव अफेयर उसके साथ, और उस जो ओरिजिनल में नहीं था वो मैंने किया कि वक्त के साथ साथ मैंने उसमें चेंज दिखाया। वो आज़ादी से पहले वो कहानी शुरू होती है, और 75 में जब इमरजेंसी लगती है तो उस वक्त वो ख़त्म हो जाती है, एंड इट्स बेसिकली इट्स लव स्टोरी। ये लोगों को अच्छा, उसमें ना कोई सेट है, ना लाइट चेंज होती है, ना म्यूज़िक है उसके अंदर, सिर्फ दो टेबल हैं, दो कुर्सियां हैं, दो एक्टर हैं, और बहुत सारे ख़त हैं जो 35 साल में उन्होंने एक लवर ने दूसरे लवर को लिखे थे, वो पढ़ते हैं। शबाना और फारूक शेख ने ये नाटक 22 साल किया, और सैकड़ों शोज उसके सारी दुनिया में किए। ये पहला हिंदुस्तानी ड्रामा है जिसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में इन्वाइट किया गया। बहरहाल उसके अलावा मैंने तकरीबन 25 नाटक और लिखे,
जिसमें से आपने जैसा कि कहा सालगिरह एक है, लेकिन दूसरा मेरा सबसे मशहूर नाटक जो है वो है बेगम जान, जो जिसके बहुत ज़्यादा शो हुए, जो नादरा ज़हीर बब्बर करती हैं। उसके अलावा हमसफ़र बहुत मशहूर है, कच्चे लम्हे बहुत मशहूर है। कच्चे लम्हे गुलजार की एक कहानी पर बेस किया है मैंने। और पता नहीं कितने हैं वो, तो अपने आपकी सोनिया है और न जाने क्या क्या। लेकिन इसमें ज़्यादातर में मैंने कोशिश इस बात की है कि इसमें कम से कम एक्टर हो, ताकि जो उसकी मूवेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो थिएटर, अब आपका अगर ये सवाल अगला आने वाला है तो मैं उसका पहले जवाब दे देता हूँ कि थिएटर क्यों। थिएटर इसलिए कि थिएटर ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप ये देखिए कि फिल्म में मतलब दुनिया की हर फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। आप आउटडोर में चले जाइए, आप लाइटें चेंज कर दीजिए, लोकेशन चेंज कर दीजिए, जो आपका जी चाहे कर दीजिए। थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में सिर्फ तीन दीवारें होती हैं और चौथी दीवार वो ऑडियंस होती है जो आपके सामने बैठी होती है। इन तीन दीवारों के अंदर आपको सारा जादू जगाना है, जो भी आपको कहना है करना है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? आपके पास आपके अल्फाज, आपके एक्टर और उनका इम्पैक्ट, ये टोटल आपके पास हथियार हैं जिन पे आप खेलते हैं। तो वो चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है, और मुझे चैलेंज कबूल करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो लिखे। एक और बात बड़ी जो थिएटर में और फिल्म में अलग अलग मुझे महसूस होती है, इसलिए मुझे फिल्म में तो मज़ा आता ही है, लेकिन थिएटर में इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है, नाटक लिखने में मज़ा इसलिए आता है कि नाटक को आप चेंज कर सकते हैं। हर शो एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, हर मरतबा कभी एक्टर कुछ इम्प्रूव कर देता है, कभी डायरेक्टर कुछ कर देता है, कभी ऑडियंस की आवाज़ें और तारीफ या बुराई से आपको पता लगता है कि नहीं इसको ऐसा करना चाहिए। तो यू कीप ऑन इंटरप्रेटिंग योर प्ले टिल यू वॉन्ट। अगर ऐसा ना होता तो आज कालिदास और शेक्सपियर जिंदा नहीं होते, हजारों साल से और चार सैकड़ों साल से ये लोग जिंदा हैं। उसकी वजह यही है कि वी कीप ऑन इंटरप्रेटिंग। तो इसलिए नाटक का अपना एक मजा।